तो मैथ्स सीखना हुआ और भी आसान, हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं छात्रावास अधीक्षक का बेस्ट क्लास लेकर आए हैं, जीरो से हीरो बनाएंगे आपको, बेसिक मैथ्स क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो मैथ्स की 10 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है, बिल्कुल डेमो क्लास आप सभी के लिए क्लास करा दे होंगे। 2 दिनों से हम आपको प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैथ्स का क्लास देखेंगे। अब हुआ आसान, ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है, क्या पूछा गया? आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण आपका 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को मालूम होगा, तो हम इससे हम क्लास आपको समझाएंगे, बेसिक क्लास, ठीक है, जो आप कभी नहीं भूलोगे। आप भूलोगे ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार कितना पूछा गया? समकोण त्रिभुज जिसका आधार ये आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा कर्ण आपका कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा लंब, यह आपका हो जाएगा आधार, यह हो जाएगा आपका कर्ण, ठीक है। लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये आप सभी को मालूम है ना। ये देखिए जो आपका ए से बी और बी से सी और सी से ए, यानी कि ए सी, तो यहाँ पर आप बनाएंगे ए सी आपका कितना है? 10 सेंटीमीटर। उसी पर बी सी कितना है आपका? बी सी आपका 6 सेंटीमीटर है ना। तो पूछा क्या गया है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने से पहले आप सभी को मैं फार्मूला बता देना चाहता हूँ। फार्मूला को अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि यही फार्मूला से आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा और फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ऐसी और भी वीडियो लेटेस्ट मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम फार्मूला देखेंगे, होता क्या है फार्मूला, इसको याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो क्या पूछा गया अभी क्वेश्चन में? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यही हम आसानी से निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है, तो कर्ण प्लस लंब प्लस आधार। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज का कर्ण पूछा जाए, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। समकोण त्रिभुज का लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार आपका समकोण त्रिभुज का आधार पूछा जाए, तो समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट में रहेगा। लंब पूछा जाए तो कर्ण माइनस आधार स्क्वायर, अगर यहाँ पर आधार पूछा है तो कर्ण और लंब, अगर कर्ण पूछा जाए तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलिए ये हम देखेंगे, ये आपका फॉर्मूला है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है और कर्ण आपका 10 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना है आपको? एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो चलिए मैं इसको सॉल्व किया हूँ, इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसका आधार 6 सेंटीमीटर है तथा कर्ण आपका 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कितना आपका आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। कैसा आएगा तो ध्यान से समझिएगा। तो कर्ण आपका कितना है? 10, आधार आपका 6। पूछा क्या गया है? क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल? क्षेत्रफल निकालना है आपको लंब का, है ना। एक समकोण त्रिभुज क्या निकालना है आपको? लंब निकालना ना, ए बी आपको ज्ञात करना है। तो लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है आपका? 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा और 6 का आपका 36। 100 में अगर 36 को घटाए इतना आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, है ना। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को बताया था, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा आपका, क्षेत्रफल का फार्मूला होगा आपका 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ठीक है। अब मान रख लेते हैं, तो मान रखेंगे तो 1/2 गुणा आधार आपका आ जाएगा 6, लंब आपका आ जाएगा 8, जो अभी निकल कर आया है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एक बार फिर से समझिएगा मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ। तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला होगा, इसमें मान रखते हैं 1/2 गुणा आधार 6
आपका लंबा 8, ठीक है। तो कैंसिल 2 से 3 और 8 दिया 24, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे हम सभी के लिए डेली क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं।